नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो चलिए चलते अपने रिपोर्टर के पास। तो अंकित जी, बताइए हमारे दर्शकों को आज के मौसम के बारे में। मौसम विभाग को लेकर अभी सबसे बड़ी खबर भयंकर चक्रवाती तूफान के साथ ओलावृष्टि और तेज बारिश को लेकर आ रही है। एक और पश्चिमी विक्षोभ अचानक से सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से लगभग 8 राज्यों में तेज रफ्तार से हवाएं, भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कौन कौन से राज्यों में तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी, कहां पर भारी बारिश होगी और कहां पर ओलावृष्टि होने वाली है। साथ ही सबसे पहले हम देख लेते हैं सुर्खियां, क्योंकि कुछ राज्य हाई अलर्ट पर भी रखे गए हैं। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि अगले 48 घंटों के लिए बिहार में हाई अलर्ट है। भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि को लेकर दोस्तों यहां पर पकी फसलों को तुरंत किसान काट लें, मौसम विभाग के द्वारा ये चेतावनी जारी की गई है। वहीं दोस्तों झारखंड के रांची सहित राज्य भर में दोस्तों आज बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बरसात भी हो सकती है। राजस्थान में अचानक से फिर मौसम बिगड़ेगा। आज रात दोस्तों तेज बारिश और ओले गिरने का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। राजस्थान में यह क्रम अगले 2 दिन तक रहने वाला है, यानी कि 1 अप्रैल तक बारिश के साथ ओलावृष्टि का संकेत जताए गए हैं। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में किसानों को फिर से दोस्तों बारिश का दर्द झेलना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों लगभग 20 जिलों में आज उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के दोस्तों 10 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों बता दें किसान भाइयों के इस समय जो रबी की फसल है उसकी धुआंधार कटाई चल रही है और कई किसान भाइयों ने जो फसलें हैं वो काट भी ली हैं। ऐसे में दोस्तों बारिश होगी तो किसान भाइयों का बहुत ही नुकसान होगा। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण ही मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली NCR, पंजाब और हरियाणा, यहां पर दोस्तों एक बार फिर से मौसम बिगड़ेगा और जबरदस्त बारिश के साथ तेज रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी, जिनकी दोस्तों मौसम विभाग के द्वारा रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे बताई गई है। वहीं दोस्तों कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी होगी। वैसे हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मौसम विभाग के मुताबिक 30 मार्च से 1 अप्रैल तक उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट यूपी में बारिश के साथ ओलावृष्टि होने की पूरी संभावना जताई जा रही है, जबकि 30, 31 और 1 अप्रैल तक राजस्थान में ओलावृष्टि हो सकती है। वहीं 30 और 31 मार्च को मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में भी ओलावृष्टि की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जताई जा रही है। IMD ने 31 अप्रैल तक तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक में बारिश के साथ मौसम बिगड़ने का अनुमान जताया है। देश का एकमात्र चैनल है जिस पर मौसम से जुड़ी बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी दी जाती है, इसलिए अभी ही चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले।